पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे बनाते हैं, एक नए ही डिजाइन के साथ यहाँ पर लाया हूँ। टेक्स्ट को हम एनिमेशन कराएंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, विंडोज आर करके यहाँ पर पावर पॉइंट जो है ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो इसको क्या करेगा, पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा माउस पे क्लिक करके, और इसको डिलीट से कर दीजिएगा डिलीट। इसके बाद क्या करेगा, इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पर दिया गया सेप, तो सेप ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को क्लिक करना है आप लोगों को, और यहाँ से क्या करना है, ड्रैग इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर फॉर्मेट सेप आप लोगों को मिल जाएगा, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर पर आ जाएंगे। तो पिक्चर पर आने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पिक्चर रहेगा यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से जो भी पिक्चर चाहते हैं यहाँ से क्या करेंगे, पिक्चर को ले लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर डिजाइनिंग भी आपको मिल जाएगा अलग अलग प्रकार के। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिक्चर में जा करके फाइल अपने कंप्यूटर में एक इमेज रखा हूँ उसको यहाँ से ले ले रहा हूँ। तो यहाँ से आता हूँ अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पर और यहाँ से फाइल में आ जाता हूँ 3D यहाँ पर। इसके बाद एक इमेज यहाँ से चॉइस कर ले रहा हूँ, यह इमेज यहाँ से क्या किया, इंसर्ट क्लिक किया सेलेक्ट करके और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो यह आपका इमेज आ गया यहाँ पर। इसमें हम टेक्स्ट को यहाँ पर एनिमेशन देंगे, तो कैसे देंगे, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड में आ जाइएगा और यहाँ से जो भी आपको वर्ड पसंद रहेगा यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्ड टाइप कर लेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पर डी टाइप कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम मेन्यू में आइएगा और यहाँ से क्या करना है, आप लोग यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ साइज आप लोग चेंज कर लीजिएगा। एरियल ब्लैंक दिख रहा है, इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और इसकी जो साइज है आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा कर लेंगे आप लोग, यहाँ से साइज जो है बड़ा कर देंगे और छोटा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद है क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर मूव करा दे रहा हूँ थोड़ा से एडजस्ट, यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दिया यहाँ पर। और इसको जो है यहाँ से कलर मैं चॉइस कर ले रहा हूँ रेड कलर। यहाँ पर रेड कलर करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा से नीचे और कर दे रहा हूँ हाँ। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर इंसर्ट में आइएगा, फिर से एक शेप ले लीजिएगा यहाँ से, यह लाइन वाला आप लोग ले लीजिएगा और यहाँ से क्या करिएगा, ड्रैग कर लीजिएगा इस तरीके सीधा एकदम। यहाँ पर ड्रैग करने के बाद फॉर्मेट में आइएगा और शेप ऑटो लाइन में आइएगा, यहाँ पर विथ में जा करके जो साइज जो है यहाँ से क्या करेंगे आप लोग बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसको कलर आप लोग कर लीजिएगा जो भी कलर फिल कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्लैक दे दिया हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इंसर्ट में आना है, फिर से आप शेप में आएंगे और यहाँ पर ओरल दिया गया, तो ओरल पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर साइज यहाँ से बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाहते हैं घटा भी सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 0.5, और यहाँ से भी क्या कर रहा हूँ 0.5 कर दे रहा हूँ यहाँ पर ही, ये 0.5 हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह जो है इसका हम लोग नो यहाँ पर क्या करते हैं, नो फिल करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं व्हाइट कलर इसमें क्लिक कर देते हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, तो क्योंकि दिखाई देना चाहिए। और इसको क्या करना है, साइज
थोड़ा सा इसका है और जो है बड़ा कर देता हूँ, ये आपका साइज हो गया और यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूमिंग कर ले रहा हूँ कंट्रोल प्लस के साथ, या तो यहाँ से जूमिंग दिया गया है तो आप लोग जूमिंग अपनी इच्छा अनुसार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट में आएंगे, फिर से शेप पे आएंगे। शेप पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री फ्रॉम, या तो यहाँ पर लिया गया है सब्सक्रिप्ट, तो यहाँ क्या करेंगे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग आप लोगों को करना है। फिर से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके माउस को बहुत अच्छी तरीके से इधर निकाल देना है। और यहाँ पर साइज जो है यहाँ पर फिर वही करेंगे, ब्लैक करेंगे और यहाँ पर साइज जो है इस तरीके से हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, ये आपका साइज हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है काम। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कंट्रोल दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितना बनाए रहेंगे आप लोग क्या करेंगे कंट्रोल दबा के यहाँ पर सेलेक्ट करना है इसको है। तो आप इसमें अलग अलग प्रकार का दिया गया है, तो अब इसको जितना यह लाइन दिया गया, लाइन यहाँ पर ओरल दिया गया है, डी दिया गया, सबको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं यहाँ से क्या किया ग्रुप में इसको जोड़ दे रहा हूँ। तो ग्रुप में जोड़ने का यह फायदा होता है कि एक साथ यह पूरा टोटली आपका बन के आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब एक साथ बन के आ गया है तो इसको हम एनिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक करते हैं और एनिमेशन में चले जाते हैं, तो कस्टम एनिमेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ आप क्या करना है, कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करना आपको है, यहाँ पर ऐड इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आप क्या करना है क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आना है और मोर इफेक्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से डिजाइनिंग मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जा रहा हूँ और तो इसमें देखता हूँ डिजाइन जो भी है अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पर क्या करता हूँ देख सकता हूँ। तो यहाँ पर यह फील अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर क्या किया ओके कर दिया, तो यहाँ पर यह दिखाई दे देगा। और इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर ले रहा हूँ यहाँ, यह इस तरीके से यह हो गया आपका, यह आपका यह 5 करके यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना आपको है, अभी थोड़ा से और ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर करने के बाद इसको आप लोग क्लिक करिएगा यहाँ पर और टाइमिंग पर आ जाएगा। टाइमिंग पाने के बाद यहाँ पर 0 जो लिखा गया है 0.5, इसको यहाँ पर क्या करेगा 60 सेकंड करके यहाँ पर क्लिक करना है और एंड ऑफ स्लाइड पर। एंड ऑफ स्लाइड पर मैं अनेक वीडियो बना चुका हूँ जो ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन के आप लोगों को मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ओके कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो यह आपका इस तरीके से मिल जाएगा, लेकिन यह बहुत स्लो काम कर रहा है देखिएगा आप लोग। और यहाँ पर क्या करना है क्लिक करना है और वेरी फास्ट करना है यहाँ से है। इस तरीके से मिल जाएगा, या तो आप फास्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा से आ जाएगा इस तरीके से। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूमिंग कर ले रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करना है इसको है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी से आपका डुप्लीकेट हो गया ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसको क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल डी के यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी आप लोग क्लिक करिएगा बढ़िया से। तो जब कंट्रोल डी करेंगे तो एक और आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से रख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल डी करने पर यह डी आ रहा है तो मैं इसको मिटा करके फिर से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि एनिमेशन दिया गया है इसलिए यह इफेक्ट कर रहा है इस तरीके से। मैं यहाँ थोड़ा जूमिंग कर ले रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट करना है आप लोगों को है। कंट्रोल डी ये देखिए आ गया। इसके बाद इसको एक बार में आप इसको ठीक सामने रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या करना है क्लिक करके इस तरीके से एकदम एडजस्ट करना है एकदम ठीक सामने इसको। तो मैं यहाँ पर ऐसे रख दे रहा हूँ और यहाँ पर इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल डी इस तरीके से करते जा रहा हूँ। तो जितना आप लोगों को यूज करना है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आ रहा है, तो मैं आप क्या कर रहा हूँ क्लिक किया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया इस तरीके से, क्योंकि तो पूरा ऊपर मुझे चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करना है
यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो लिखा गया टेक्स्ट टेक्स्ट को चेंज करना है आपको। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देना ई, और यहाँ पर क्या करना वी, यहाँ पर आर, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर जे। इस तरीके से टाइप कर दिया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो मैं इसको जो है यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके ला दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा। और इसको एडजस्ट मैं अच्छी तरीके से कर दे रहा हूँ थोड़ा से, ये आपका आ गया। जे में इधर कट गया, ये आपका आ गया यहाँ पर। तो इसको ई को भी आप थोड़ा सा इधर यूज कर सकते हैं, ये वाला जो बटन दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, एरो की मदद से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये आपका एडजस्ट हो गया है यहाँ पर। या 5 क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ही काम करता है। तो जितना यहाँ प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से ये आपका दिखाई देगा। इसमें अभी बहुत सेटिंग करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को यह कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर टाइप हो करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्या करना है, अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू विथ प्रीव्यू क्लिक करना है। यहाँ पर जितना रहेगा इसको क्या करना है, विथ प्रीव्यू। यहाँ पर तो मैं सबको विथ प्रीव्यू कर दे रहा हूँ इस तरीके से हूँ, यहाँ से विथ प्रीव्यू सबको टोटली जितना बनाया रहेगा एनिमेशन करके, ये सबको विथ प्रीव्यू करना। अभी आप 5 करेंगे ये एक साथ यहाँ पर देखिए इफेक्ट आपका हो रहा है इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे टाइप कर सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ टाइप कर दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर से डिलीट हो गया। यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर मिल गया। तो इसको हम यहाँ पर टाइप कर ले रहे हैं। कंप्यूटर, और इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ, थोड़ा से साइज में बड़ा कर दे रहा हूँ। और इसको क्या करना है, आप सेलेक्ट करके होम में जा करके इसको आप एरियल ब्लैंक कर दीजिएगा, ऐसे एरियल ब्लैंक, और ये आपको इसको थोड़ा से साइज में और बड़ा कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या करना है, इस ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इस पर भी हमें एनिमेशन देना है। तो कैसे देना है, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद इसमें, और यहाँ से हम इसका कलर जो चेंजिंग कर लेते हैं। तो कलर चेंजिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कलर चेंजिंग हो रहा है कैसे, लेकिन यह आपका टेक्स्ट पर होना चाहिए। ये देखिए टेक्स्ट पर यहाँ पर हो रहा है, तो टेक्स्ट पर मुझे चाहिए तो एनिमेशन। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ से क्या करिएगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा, पहले इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका नहीं हो पा रहा है तो इसको क्या करेगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा, फिर से एनिमेशन देंगे। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट पर ही एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपका इस तरीके से कलर हो रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कलर दिए गए हैं, तो यहाँ पर यूज आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला बेस्ट लग रहा है, इसको क्या करेंगे हम क्लिक करके यहाँ पर ओके कर दे रहे हैं। और यह कलर जो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने के लिए, ये इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा गया है इसका भी आप लोग यहाँ से कलर होम मेन्यू में जा करके आप यहाँ से कलर आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप लोगों को पसंद होगा यहाँ से क्या करेंगे, और टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप लोग चेंज कर लेंगे।
और यहाँ पर इस ये जो एनिमेशन इसको दिए हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको भी मुझे क्या करना है, विथ प्रीव्यू करना है। प्लस इसमें भी टाइमिंग आप इसी तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर जो 1 सेकेंड लिखा गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, 60 सेकेंड लिखना है। और यहाँ पर एंड ऑफ स्लाइड क्लिक करके यहाँ पर क्या करना, ओके करना, इतना आप लोगों को करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा से फास्ट कर लेना है, क्योंकि ये भी तो फास्ट होगा। इसके बाद ये देखिए आपका सी छूट गया था, तो यहाँ पर सी को भी हम क्या करेंगे, इसको कलर यहाँ से कर ले रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, इसको कलर दे दिया, ये आपका हो गया। ये F5 यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से यह आपका हो रहा है। इस तरीके से जो है आप एक अमेजिंग आप लोग टेक्स्ट को डिजाइनिंग दे सकते हैं पावर पॉइंट में आप लोग। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं तो अलग अलग एनिमेशन आपको मिल जाएगा इसमें, पावर पॉइंट में आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।